नमस्कार, स्वागत है आपका satyahindi.com पर। मैं हूं नीरू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। जब से वैक्सीन नीति की घोषणा हुई है भारत में, तब से ही लगातार कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है, बाकी भी विपक्षी पार्टीज ने विरोध किया इसका, लेकिन कांग्रेस एक इकलौती ऐसी विपक्षी पार्टी रही है जिसने लगातार विरोध का ब्यूगल बजाया है। और क्या बातें कही हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, उन्होंने यही बात कही कि भारत की सरकार के पास वैक्सीन को बांटने की, वैक्सीन को खरीदने की और वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने की सरकार के पास कोई नीति नहीं है। और अभी हाल में 18 मई को राहुल गांधी ने कहा था कि इस पूरे देश को इतना दर्द नहीं सहना पड़ता अगर हमारे पास वैक्सीन की किल्लत नहीं होती और हमें आसानी से वैक्सीन नहीं मिल जाती। इसके अलावा राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत तो पूरे विश्व का वैक्सीन कैपिटल है, इसलिए हमें अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को यानी कि इनोक्यूलेशन ड्राइव को बढ़ाना चाहिए और जैसे भी हो सके मोदी सरकार को ये सोचना चाहिए कि वैक्सीन हर आदमी को मिले। इसके अलावा जो वैक्सीन की प्राइसिंग को लेकर है कि वैक्सीन की कितनी कीमत होनी चाहिए, लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए कि वैक्सीन सबको मुफ्त में मिलना चाहिए, केंद्र से राज्यों को भी वैक्सीन मुफ्त में मिलना चाहिए। इस बात को लेकर भी राहुल गांधी ने एक नहीं कई बार बोला है। उसके अलावा ये कहा है कि जिस आधार पर दो तरीके की कॉस्ट को नियुक्त किया गया है, यानी कि सेंटर को किसी और दाम में वैक्सीन मिलती है और राज्यों को किसी और दामों में, तो राहुल गांधी का कहना था एक नहीं बल्कि कई बार उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन की नीति है, जो वैक्सीन की कॉस्ट है, वो बहुत ही मनमानी है और भेदभावपूर्ण है, यानी कि भेदभाव किया जा रहा है राज्य और केंद्रों के बीच। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी जब अपने राज्य की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस उसकी बात ही नहीं करना चाहती। आज मैं बात करना चाहती हूं पंजाब की, जी हां, जहां के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और एक ऐसे समय में जब महामारी से लोग जूझ रहे हैं, लोगों की एक ही चिंता है कि किसी भी तरीके से दोनों डोजेज वैक्सीन की लग जाए तो कम से कम लोगों की मृत्यु ना हो, एक ऐसे समय में पंजाब की जो राज्य सरकार है यानी कि अमरिंदर सिंह की सरकार, वो वैक्सीन घोटाला कर रही है। जी हाँ, वैक्सीन घोटाले का मैं नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि अमरिंदर सिंह की सरकार ने 27 मई को 1.14 लाख वैक्सीन्स खरीदी भारत बायोटेक से 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से। 1.14 लाख डोजेस खरीदी 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से, लेकिन इस 1.14 लाख वैक्सीन्स में से 42,000 वैक्सीन्स 20 प्राइवेट अस्पतालों को बेची गई। और आप सोच सकते हैं किस दाम में, प्राइवेट अस्पताल के लिए राज्य सरकार ने वैक्सीन की एक डोज यानी कि एक वैक्सीन को बेचा है 1,060 रुपए में, और वापस फिर वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो उसको 1,560 रुपए में बेच रहा है। तो ये है मुनाफाखोरी का आलम पंजाब, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। जी हाँ, कांग्रेस की सरकार जहां पर मुनाफाखोरी, जमाखोरी की तस्वीर सामने आई है और ठीक अमरिंदर सिंह की नाक के नीचे ये सब हो रहा है और अमरिंदर सिंह से चू भी इस पर नहीं हो रही है। उसके जो केंद्रीय लीडरशिप है जो कांग्रेस की, वो ये कहती है कि वैक्सीन फ्री में मिलनी चाहिए, राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन जब कांग्रेस शासित राज्यों की बात आती है, और यहां पर मैं पंजाब की बात करना चाहूंगी, तो आज कांग्रेस अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक कर देख रही है कि वहां पर क्या हो रहा है। यानी कि मुनाफाखोरी का आलम यह है कि सरकार ने 5.28 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, यानी कि गवर्नमेंट ने वैक्सीन खरीदी 3.2 करोड़ में सारी वैक्सीन को खरीदा गया और उसको बेच दिया गया 8.48 करोड़ में।
तो जब इसके बारे में तमाम विपक्षी पार्टीज और ट्विटर पर इसके लिए लिखना जाना शुरू हुआ, तब अमरिंदर सिंह को लगा कि चीजें हाथ से निकल जाएंगी। तो फिर आज क्या किया अमरिंदर सिंह ने, अमरिंदर सिंह ने उस ऑर्डर को वापस ले लिया जिसमें कि ये लिखा गया था कि ये वैक्सीन्स प्राइवेट अस्पतालों को इतने दामों में बेची जाएगी। तो जो नोडल ऑफिसर हैं वैक्सीनेशन के पंजाब के विकास गर्ग, तो उन्होंने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन्स वापस करना होगा और जिन प्राइवेट अस्पतालों ने पैसे से खरीदा था वैक्सीन्स वो उनको रिफंड कर देगी राज्य सरकार। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बलबीर सिंह सिद्धू, उन्होंने ये कहा है प्रेस से बात करते हुए कि कभी कभी गलत निर्णय हो जाते हैं जबकि आपकी नीयत गलत नहीं होती। कांग्रेस बार बार इस बात को कहती है कि मोदी सरकार की नीयत ठीक नहीं है, बीजेपी सरकार की नीयत ठीक नहीं है, तो आज उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री इस बात को कबूल रहे हैं कि गलत डिसीशंस लिए गए लेकिन नीयत गलत नहीं थी और अब इस पर जांच और पड़ताल होगी। तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार को मौका मिला, अब उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए, उसे पंजाब सरकार से एक रिपोर्ट भी मांगी गई है। तो और लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, बात यहां पर यह है कि अमरिंदर सिंह सरकार ने अपनी गलती को माना है और ये बात को माना कि इस तरीके की मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 600 वैक्सीन ही लोगों को दे दी गई हैं, तो वो जो 600 वैक्सीन है उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे। 42,000 वैक्सीन थी जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट अस्पतालों को दी गई थी, तो ये जो 42,000 वैक्सीन हैं इन्हें भी राज्य सरकार को वापस देना होगा और अब राज्य सरकार इसे सबको फ्री में लगाएगी। ये वो वैक्सीन थी जो 18 साल से 45 साल के उम्र के बीच के जो लोग हैं उनको लगनी थी फ्री में, लेकिन यहां पर अमरिंदर सरकार महामारी के बीच पैसा कमाने की होड़ में लगी थी। तो जाहिर सी बात है पैसा कमाने की होड़ क्यों लगी थी, क्योंकि अभी वहां पर 8 महीने बाद चुनाव है और इससे बढ़िया मौका सरकार के लिए पैसे कमाने का नहीं था। तो महामारी में मुनाफाखोरी, यह है अमरिंदर सरकार की हकीकत। लेकिन जहां तक घोटाले की बात है, इस बात को इस तरह से बताया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा घोटाला हो गया, तो अलग अलग पहलू देखिए। तो टोटल जो पैसा इसमें डिफरेंस था वो 3,90,000 रुपए का था, 4 लाख रुपए से कम का टोटल मामला था। 4 लाख रुपए के मामले को इतना बड़ा घोटाला कहकर उस बात को रखा जा रहा है जो रेट केंद्र सरकार ने प्राइवेट वैक्सीन के लिए तय किए हुए हैं। 1200 रुपए 1100 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटलों में पूरे देश में वैक्सीन लग रही है। फर्क इतना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने कोटे से वो वैक्सीन दी जिसको कांग्रेस ने गलत माना और इसको कैंसिल किया। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस पार्टी ने तो इसलिए कैंसिल किया कि कांग्रेस का सीधा सीधा स्टैंड है कि पूरे देश में वैक्सीन फ्री लगनी चाहिए, फ्री यूनिवर्सल वैक्सीन का कांग्रेस की डिमांड है। तो क्या बीजेपी जो इतना इसमें हंगामा कर रही है वो इस बात को कल उठाएगी कि पूरे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल जिस रेट पे वैक्सीन लगा रहे हैं 1000 और 1500 रुपए के बीच में, उसको वो सरकारी रेट पे लगाएं, फ्री पे लगाएं? क्या बीजेपी इस बात को करेगी? घोटाला ये नहीं है कि पंजाब सरकार ने 4 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कीमत की वैक्सीन लगवा दी, घोटाला ये है कि भारत बायोटेक जिसने कोवैक्सीन बनाई है उसने 150 रुपए की वैक्सीन को 1200 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेच रही है और टोटल 27.5 करोड़ वैक्सीन वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देगी। कोविशील्ड जो वैक्सीन 150 रुपए में दे रही है वो 600 रुपए में प्राइवेट हॉस्पिटल को दे रही है, वो 37.5 करोड़ ऐसी वैक्सीन दी जाएंगी और ये टोटल अमाउंट जो होता है वो करीब 47,000 करोड़ रुपए का होता है। तो घोटाला ये 47,000 करोड़ रुपए की जो एडिशनल कीमत केंद्र सरकार ने अलाउ कर दी है इन दो वैक्सीन निर्माताओं को, वो है या पंजाब सरकार ने जो 4 लाख रुपए का मामला गलती से अधिकारियों के फैसले की वजह से हुआ और जिसको वापस ले लिया गया वो घोटाला है? तो घोटाले की परिभाषा देनी पड़ेगी। गलती यहाँ पर किसकी है, अमरिंदर सरकार की या अमरिंदर सरकार के ऑफिशियल्स की? नहीं नहीं, सरकार और ऑफिशियल्स को हम अलग अलग करके आज की तारीख में नहीं बोलेंगे। आप ये देखिए पॉलिसी किसने बनाई, पॉलिसी केंद्र सरकार ने बनाई थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़े हुए रेट पे वैक्सीन लगा सकते हैं। केंद्र सरकार इन प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन दे नहीं पा रही थी,
तो कुछ अधिकारियों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने कोटे से दे दें, और जो गलत था जिसको सीएम ने और सरकार ने पूरी तौर पर गलत ठहराया और इसको कैंसिल कर दिया, और जिन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे दिए वो सिर्फ 600 लोग हैं, उनको रिइंबर्समेंट करने का ऑर्डर भी दे दिया। तो गलती स्पष्ट रूप से एक नीचे के लेवल पे हुई है, जो सीएम के लेवल पे जानकारी आते ही कैंसिल हो गई। लेकिन सवाल यहीं पे है कि पंजाब ने तो कर दिया, पूरे देश में केंद्र सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल जो चार्ज कर रहे हैं उसको लेके पॉलिसी कब बदलेगी? इस पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने परसों पूरे ऑब्जेक्शन उठाए हैं, उसने केंद्र गवर्नमेंट को मोदी सरकार को ये बोला है कि जल्दी से जल्दी अगले एफिडेविट के अंदर वो ये रखे कि वैक्सीन के प्राइस के भारत के रेट, प्राइवेट हॉस्पिटल के रेट, और वही कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल पे सप्लाई कर रही हैं उनका कंपैरेटिव चार्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? ये इसलिए कहना पड़ा कि जो वैक्सीन 150 रुपए में मिल रही है वो 1200 रुपए में सप्लाई कर रहा बायोटेक। और यही नहीं, अगर घोटाले की बात करनी है तो घोटाला एक और चीज में देखा जाना चाहिए। 4 अगस्त 2020 को जो भारत बायोटेक के एमडी हैं कृष्णा एला, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो हमारी वैक्सीन की कीमत है वो पानी की बोतल से कम होगी, यानी 20 रुपए से कम। तो 20 रुपए की वैक्सीन को आप 1200 रुपए में बेच रहे हैं प्राइवेट में। घोटाला ये है, ये 50,000 करोड़ के करीब पहुंचता है, और ये पैसा प्राइवेट पार्टीज को भारत की जनता की जेब से जा रहा है। ये 4 लाख रुपए की गलती जो है उसको घोटाला बोलना, और 50,000 करोड़ की जो मूवमेंट ऑफ मनी लोगों की जेब से जो पैसा निकल के इन कंपनियों के पास जा रहा है, उन कंपनियों के पास जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाने के लिए भारत के टैक्स के पैसे से 4,500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन जो एक चीज और समझ में नहीं आ रही है कि अमरिंदर सिंह की नाक के नीचे कितना बड़ा डिसीजन हुआ। उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बलबीर सिंह सिद्धू, वो कहते हैं कि उनको पता ही नहीं था। अमरिंदर सिंह को भी नहीं पता क्योंकि कुछ ऑफिशियल्स ने ये कदम उठा लिया। तो कैसे इतना बड़ा कदम उठाया और चीफ मिनिस्टर को भी नहीं पता ये बातें? इतना बड़ा फैसला नहीं है। आप देखिए, पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बना चुकी थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल अपने रेट तय कर सकते हैं। ऑफिसर्स, जब एक पॉलिसी बन जाती है तो ऑफिसर उस पर खुद ब खुद अमल करते हैं। यही सरकारें ऐसी चलती हैं। ऐसा नहीं होता कि भारत सरकार में हर चीज का फैसला मोदी जी के पास फैल जाती है। एक बार पॉलिसी बन गई, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर करते हैं। यहाँ पे गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ। गलत इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का जो स्टैंड है वो फ्री वैक्सीन का है, फ्री यूनिवर्सल वैक्सीन का है, और उस स्टैंड पे वो राज्य सरकार जो कांग्रेस हेड कर रही है, कांग्रेस चला रही है, उस राज्य सरकार की पॉलिसी भी यही है कि फ्री वैक्सीन होनी चाहिए। वहां पे अगर कुछ अफसर ने गलती से ये फैसला लिया तो उन पे कार्रवाई हो रही है, फैसला वापस हो गया है। ये घोटाला नहीं है। घोटाला मैं फिर से कहूंगा ये है कि 150 रुपए की वैक्सीन को भारत सरकार ने 1200 रुपए में बेचना अलाउ किया है भारत बायोटेक को, और कोवैक्सीन को 600 रुपए में अलाउ किया है। और आप भी जानते हो दिल्ली में, मुंबई में, जहां जहां हम लोग रहते हैं वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल आज भी जब बीजेपी इतना हंगामा कर रही है घोटाला, आज भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल 1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में वैक्सीन लगा रहे हैं। तो आज क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट पे रोक लगाती है, इन पे रोक लगा दे। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती क्योंकि अमरिंदर सिंह के नीचे जो उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो या बाकी स्वास्थ्य मंत्री के जो आला अधिकारी हैं, मैं आपको एक यहाँ पर बात बताना चाहती हूँ कि 15 मई को जो चीफ सेक्रेटरी है पंजाब की विनी महाजन, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि मैक्स मोहाली एट फोर्टिस हॉस्पिटल, मैक्स चार्जिंग 900 रुपीज फॉर कोविशील्ड एंड फोर्टिस इज चार्जिंग 1250 फॉर कोवैक्सीन, प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ्स ऑन कोविन पोर्टल टू बुक अ स्लॉट। यानी कि चीफ सेक्रेटरी राज्य सरकार का वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफदारी कर रहा है, उनकी मार्केटिंग कर रहा है, जिसको लेकर सुखबीर बादल ने, जो शिरोमणि अकाली दल के लीडर है, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों का पैरोकार क्यों बन रही है विनी महाजन। लेकिन बलबीर सिंह सिद्धू जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये ट्वीट गलत था और इस तरीके की जो तस्वीर हमारे सामने आई है वो गलत है। लेकिन बलबीर सिंह सिद्धू जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि मुझे तो इसकी नॉलेज ही नहीं थी कि कैसे ये पूरा काम हो गया, कैसे इन प्राइवेट अस्पतालों को बेचने का निर्णय ले लिया गया। तो यहां पर आज सवाल खड़े होते हैं
कि किस तरीके से ऑर्डर को प्लेस किया है राज्य सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए, उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए ताकि बाकी सरकार इस चीज की आगे जरूरत ना कर पाए कि महामारी के बीच आप प्राइवेट अस्पतालों में इस तरीके की मुनाफाखोरी ढूंढ रहे हैं और एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड शॉर्टेज सामने आ रही है। लोगों से आप कह रहे हैं कि आपके पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन जब आपके पास केंद्र से वैक्सीन आती है या आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से उसको खरीदते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं कि वैक्सीन है नहीं क्योंकि आपने सारे प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया और प्राइवेट अस्पताल औने पौने दामों में लोगों को लगा रहे। आप सोच सकते हैं कि पंजाब में इस समय अगर ये जो दाम मैंने आपको बताया है कि जो 1500 या 1600 रुपए की अगर आज वहां पर कोवैक्सीन बिक रही है, तो अगर एक परिवार में चार सदस्य हैं ऑन एन एवरेज ये मान लीजिए, तो आप ये सोच लीजिए कि हर परिवार को 6000 रुपए इस महामारी के बीच एक ऐसे समय में जहां पर लोगों के पास जॉब्स नहीं है तो अपनी जान बचाने के लिए, उनको अपने परिवार को बचाने के लिए 6000 रुपए वैक्सीन के लिए निकालना पड़ेगा। और ये वो वैक्सीन्स हैं जिनकी तरफदारी कांग्रेस सरकार हमेशा से ये कहती आई कि लोगों को वैक्सीन फ्री में मिलना चाहिए, तो आज वही कांग्रेस सरकार के राज्य में आज इतनी महंगी वैक्सीन लोगों को क्यों मिल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, सारे तथ्य सामने आने चाहिए। लेकिन जो बार बार ये बातें कही जा रही हैं कि सरकार ने अपनी गलती को माना, तो आज बीजेपी के लिए भी ये लेसन है कि अगर अमरिंदर सरकार ने इस तरीके की गलती की है और अपनी गलती मानी है तो क्या बीजेपी इस तरीके की गई गलतियों को मानेगी या नहीं मानेगी। और आपको बता दें कि ट्विटर पर इसको लेकर काफी शोर मच रहा है और जमकर जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं जैसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने कहा है कि ये तो सीक फॉर फ्री और सेल्फ फॉर प्रॉफिट वाली बात है कि केंद्र सरकार से हर चीज उनको फ्री चाहिए, पीएम केयर्स फंड से उनको वेंटिलेटर चाहिए, केंद्र सरकार से वैक्सीन चाहिए और फिर आप उसको उठाकर प्राइवेट पार्टीज को बेच दो। और अभी भी हाल में जो पंजाब की चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन, उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा किल्लत है वैक्सीन की, और लेकिन फिर अचानक किल्लत के बीच इतना बड़ा वैक्सीन स्कैम पंजाब के राज्य में नजर आ रहा है, तो ये बिल्कुल अनैतिक है, इलीगल है, गैर कानूनी है और इसको लेकर तमाम तरीके की अब जांच शुरू हो रही है। लेकिन जो ऑर्डर वापस लिया है अमरिंदर सरकार ने, तो क्या ऑर्डर वापस लेने से क्या उनकी गलती माफ हो जाएगी कि आपकी पार्टी जब खुद केंद्र सरकार से इतने कठिन सवाल पूछ रही है, इतने टफ क्वेश्चंस पूछ रही है कि आप वैक्सीन फ्री में क्यों नहीं देते, आपने वैक्सीन की जो प्राइसिंग है उसको डिस्क्रिमिनेटरी रखा है, तो आज वही कांग्रेस सरकार आज ये गलती कैसे कर बैठी। प्रताप सिंह बाजवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है satihindi.com पर। ये जो खबरें आ रही हैं सर कि किस तरीके से जो पंजाब की सरकार है कांग्रेस की, तो उसने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को महंगे दामों में वैक्सीन खरीदी, पहले बेची और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स का प्लान था कि वो उसको आगे और महंगी बेच दे, तो ये कैसा ये प्लान था सर, और ये क्या पंजाब सरकार सोच नहीं पाई कि ये औंधे मुंह उनको उल्टा पड़ जाएगा। देखो मैं ये समझता हूँ बहुत गलत कदम उठाया गया है, क्योंकि कल मैंने एक लेटर, जब मेरे ये संज्ञान में ये बात आई तो इमीडिएटली मैंने एक चिट्ठी लिखी थी चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि देखिए ऐसे इतने बड़े पेंडेमिक में, महामारी में, पहले तो जो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है स्टेट गवर्नमेंट की, वो तो है कि जो वैक्सीन सेंटर से हमने ली है वो तो हमें फ्री लोगों में लगानी चाहिए। अगर कहीं कोई आदमी खुद इस पोजीशन में है कि वो पैसे दे सके वो एक बात और है, मगर आप 400 रुपए की लेकर आगे 20 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 1060 रुपए का वैक्सीन बेचो और आगे हॉस्पिटल वाले फिर उसको लोगों के लिए वो कोई 1600 का बेच रहा है, कोई 2000 रुपए का बेच रहा है, सो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या ये बात अमरिंदर सिंह को नहीं पता थी कि अगर चीफ सेक्रेटरी की बातें हो रही हैं, जैसे आपने अभी हाल में सुना कि अभी इसी प्रोग्राम में आपने सुना कि प्रताप सिंह बाजवा ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि गलती विनी महाजन की है, तो विनी महाजन जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो बिना चीफ मिनिस्टर की रजामंदगी के कैसे इतना बड़ा निर्णय ले सकती हैं। तो यहां पर सवाल सिर्फ विनी महाजन से ही नहीं या पूरा ठीकरा विनी महाजन के ऊपर नहीं फोड़ सकते, बल्कि यहां पर मेन सवाल अमरिंदर सिंह से पूछे जाने चाहिए, आखिर उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों को इतनी महंगी वैक्सीन क्यों बेची एक ऐसे समय में जब लोग फ्री में वैक्सीन लगवाना
चाह रहे हैं। तो ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन इससे अमरिंदर सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है। अब कुछ ही महीनों बाद वहां पर चुनाव है और लोगों को अमरिंदर सरकार कैसे मुंह दिखाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हम मोदी सरकार की हमेशा आलोचना करते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टीज को क्या होता जा रहा है? विपक्षी पार्टीज जो सवाल खुद से उठाती हैं, नैतिकता के सवाल, जहां पर उनकी राज्य सरकारें हैं वो उन नैतिकता के सवालों को भूल जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपको बताना चाहती हूं कि जैसे वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर मोदी जी की तस्वीर लगती थी तो उस पर कांग्रेस ने भी ऐतराज जताया, ममता सरकार ने भी ऐतराज जताया, लेकिन क्या हुआ, भूपेश बघेल की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, उसने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भूपेश बघेल की तस्वीर लगाई और कहा इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो मोदी जी अगर करते हैं तो गलत है, लेकिन भूपेश बघेल जी करते हैं तो सही है। वही चीज पश्चिम बंगाल में सामने नजर आ रही है। ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, उन्होंने कितना अपोज किया, अभी चुनाव के दौरान उन्होंने शिकायत कर डाली चुनाव आयोग से कि वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मोदी जी की तस्वीर इज अ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। और आज जब चुनाव खत्म हो गए तो उनकी तस्वीर अब वैक्सीन सर्टिफिकेट पर लग रही है। तो ये जो नैतिकता के जो सवाल हैं, जो टफ सवाल बार बार विपक्षी पार्टीज पूछती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो या फिर और भी कोई पार्टी हो, तो आज इन सारी पार्टीज को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जहां पर वो सत्ता में है तो वहां पर वो कोई गलती नहीं करते, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर सत्ता में नहीं है तो केंद्र सरकार के लिए सारे सवाल हैं। तो ये एक गहरी समस्या है और विपक्षी पार्टीज को अपने अप्रोच को बदलना पड़ेगा। लेकिन यहां पर क्योंकि आज पूरा स्पॉटलाइट पंजाब सरकार के ऊपर है, तो अमरिंदर सिंह से अभी आने वाले दिनों में भी ये कठिन सवाल पूछते जाएंगे सभी लोग, चाहे वो केंद्र सरकार हो या पंजाब के उनके अपने ही लोग हों, जैसे कि प्रताप सिंह बाजवा और तमाम वो लोग जो आज इस चीज को मान रहे हैं कि अमरिंदर सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन एक ये भी संभावना है कि जाने अनजाने, चाहे जैसे भी हो, क्या इस समय, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है, इन फाइटिंग की बार बार खबरें आ रही हैं, उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपने सुर बुलंद कर लिए हैं और बगावत एक तरीके से कर रहे हैं, उधर प्रताप सिंह बाजवा भी हैं, तो एक ऐसे समय में क्या ये पंजाब कांग्रेस को एक बहाना मिल गया है कि अमरिंदर सिंह को हटाया जाए? इस पर आप जरूर सोचिएगा, ये एक सिर्फ टेल पिन कॉमेंट है आपके लिए और इस पर सोचिएगा कि ये संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल मैं इस बात को मानती हूं कि अमरिंदर सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की है, लोगों से छला है, लोगों के साथ गलत किया, एक ऐसे समय में जब लोगों को फ्री वैक्सीन की आशा है और एक ऐसे समय में आप प्राइवेट अस्पतालों को औने पौने दामों में बेचकर और इतनी महंगी वैक्सीन आप खरीदते हैं, कहां गई नैतिकता आज कांग्रेस की, जो बड़े बड़े सवाल कांग्रेस खुद करती है। इस पर मुझे आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। और इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें, इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।